वेलकम गाइस, आईटी हेल्पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A50 मॉडल। इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन और इसकी रैम मेमोरी जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सेम मॉडल होगा, सैमसंग गैलेक्सी A50 मॉडल। तो इसे तो ये जो फ़ोन है, तो मैं अब आपको बता देता हूँ आप कैसे जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। सबसे पहले जो है हम फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद जो है हम इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्लाइड करके ऊपर आते हैं। ये देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको भी। हम इस सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। फिर हम नीचे आते हैं डाउन साइड पर, यहाँ पर जो है ये एक सेकेंड एडवांस, ये बैटरी एंड डिवाइस केयर, हमें इसके अंदर जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर में। तो इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देगा, ऑल इज़ गुड आ रहा 100%। ठीक है, तो ये बैटरी का आ गया, स्टोरेज भी आपको दिखा देगा यहाँ पे, ये 64 GB जो है शो हो रही है यहाँ पे इसकी इंटरनल। इसको प्रेस करेंगे तो अंदर से भी इंटरनल दिखा देगा, यहाँ पे ये 64 GB दिखा रहा है। और यहाँ पे मेमोरी जो है इसमें 4 GB है, अभी 2 GB के आसपास कुछ यूज़ में है, ये टोटल आपको चेकिंग करके बता देगा। ठीक है, यहाँ पे 4 GB रैम यूज्ड में है, 2 GB जो है अभी फ्री पड़ी है या अवेलेबल दिखा रहा है, 1.4 GB जो भी है। तो ये सारा यूज़ में आ रहा है, जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर है वो सब ये रैम यूज़ कर रहे हैं। क्लीन का आ रहा है यहाँ पे, आप अपनी रैम को क्लीन भी कर सकते हैं, जो उसमें जम जो क्या बोलते हैं वायरस आ जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए भी वो बता रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। मैं इसकी कैमरे की टेस्टिंग भी आपको बता देता हूँ, इसकी कैमरे की क्वालिटी भी आप देख लें। ये देखें, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि कैमरे की क्वालिटी में कोई दिक्कत है। अभी हम जूम करते हैं तो बस ये है, जब हम जूम कर देते हैं तो इसकी जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा शो होती है, क्लियरिटी इतनी नहीं है जूमिंग पे। बाकी अदरवाइज़ जब हम जूम आउट करेंगे तब इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है जूम आउट पे। और जैसे ही हम जूम करेंगे, ये देखिए क्लियरिटी थोड़ी सी इसकी हिल रही है। ठीक है, तो इतनी ख़ास नहीं है। तो अब हम जो है इसके फ्रंट कैमरे की क्वालिटी देखते हैं, कैमरे की क्वालिटी में भी थोड़ी सी ब्लरिंग आ जाती है। तो अब हम इसका फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं। ये देखें फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरे पे जूमिंग नहीं है, तो उस हिसाब से इसकी कैमरे की क्वालिटी नॉर्मल है, ठीक ठाक। तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटी हेल्पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।